अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम ए, ट्रेवल्ड फर्स्ट एक्स मीटर विद स्पीड वी, ट्रेवल्ड नेक्स्ट 2x मीटर विद स्पीड 2v एंड ट्रेवल्ड नेक्स्ट 3x मीटर विद स्पीड 3v. ए बी सी डी, बॉडी ए से डी तक गई लेकिन पहले x मीटर को उसने v स्पीड से ट्रेवल किया, अगले 2x मीटर को 2v डिस्टेंस से ट्रेवल किया, अगले 3x मीटर को 3v डिस्टेंस से ट्रेवल किया. अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ना तो इक्वल टाइम इंटरवल का है ना ही इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का है. तो इस केस में हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मुझे इंडिविजुअल इंटरवल्स का, जर्नी इंटरवल्स की स्पीड मालूम है और डिस्टेंस मालूम है, तो मुझे उन इंडिविजुअल इंटरवल्स का टाइम पता चल सकता है. एज वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एस बाई टी, दिस इंप्लाइज दैट टाइम टेकन फॉर एनी ऑफ द पोर्शन ऑफ जर्नी वुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ए से बी तक जाने में फॉर ए टू बी जो स्पीड है वो है बी और डिस्टेंस है एक्स, यानी फर्स्ट टाइम जो ए से बी तक लगा होगा टी वन दैट वुड बी डिस्टेंस एक्स बाई बी. बी से सी तक जाने में जो डिस्टेंस है वो है 2x, स्पीड है 2b, तो जो टाइम लगेगा टी टू इज इक्वल टू 2x बाई 2b यानी कि एक्स ओवर बी. और सी से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज टी थ्री, दिस इज टाइम टेकन टी टू, दिस इज टाइम टेकन टी थ्री. तो टी थ्री वुड बी डिस्टेंस, दिस टाइम वुड बी 3x एंड स्पीड वुड बी 3v, 3x ओवर 3v यानी कि ये भी x बाई टी. तो पूरी जर्नी में जो टाइम लगा वो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री का, यानी कि हर हमने इंडिविजुअल इंटरवल्स को जोड़ दिया, तो टोटल टाइम टेकन इज टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एक्स बाई बी प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स बाई बी, दैट मीन्स थ्री एक्स बाई बी, दिस इज द टोटल टाइम टेकन. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ए से बी तक जाने में डिस्टेंस एक्स, बी से सी तक 2x, देन 3x, सो टोटल डिस्टेंस विल बी एक्स प्लस 2x प्लस 3x. टोटल डिस्टेंस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी, एक्स प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 6x, ये टोटल डिस्टेंस है. पूरी जर्नी में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 6x का और टाइम लगा 3x बाय बी का, तो दोनों के डिवीजन से यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मुझे क्या देगा, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड इस केस में हो गया एस टोटल बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज 6x एंड टाइम टेकन इज 3x बाय बी, 3x बाय बी, सो दिस केम आउट टू बी 2v. एवरेज स्पीड केम आउट टू बी 2v इन दिस इक्वेशन. अब एवरेज स्पीड के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे दैट वुड बी एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी सिमिलर टू एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बी एवरेज. अब इसको भी मैं बी एवरेज लिख रहा हूं लेकिन इसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है. This implies that this is not average speed but it is average velocity. Because it refers to velocity, that's why it is having an arrow. That means it is having a direction as well. Average speed will be total displacement over total time. Body was initially at A at position vector r1 and then it reached to B, position vector r2. ए से बी तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट थी दैट वाज दिस, तो ये डेल्टा एस वेक्टर की डायरेक्शन है इनिशियल से फाइनल ए से बी, इसलिए एवरेज स्पीड की डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इनकी ए से बी. एवरेज वेलोसिटी हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का यूनिट वही होगा जो आपका वेलोसिटी का होता है, बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, टाइम सेकेंड, तो ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड.
being a vector quantity, it possesses both the magnitude and direction. Direction आपको मैंने बता दी, initial to final. Now let us define instantaneous speed and instantaneous velocity. Instantaneous speed. जैसे एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज स्पीड को आपने डिफाइन किया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि एक मोशन में, बॉडी के कंप्लीट मोशन में ए से लेके बी तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था वो डेल्टा एस का और जो टाइम लग रहा था डेल्टा टी का. अगर इस डिस्टेंस और टाइम इंटरवल को आप बहुत छोटा कर दो, यानी कि आप मोशन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर करो, इसमें अगर आप कंडीशन लगा दो इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी क्या होता है, किसी भी दो इंस्टेंट के बीच का टाइम. अब मैं कहता हूं मैंने इस डेल्टा टी को इतना छोटा कर दिया कि वो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट बन गया, तो ये एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, उस छोटे से टाइम इंटरवल की एवरेज स्पीड, एंड दैट वुड बी नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्योंकि ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया है इसलिए इस इंटरवल में जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो एक्चुअली इस इंस्टेंट की ही स्पीड है. यानी कि जब बॉडी ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड हर पॉइंट पे चेंज करती है, उसकी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड है वो हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि उस इंस्टेंट की स्पीड. इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी. लिमिटिंग कंडीशन हमें बताती है कि अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दो तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि डी एस बाय डी टी लिख सकते हो. एस क्या होगा आपका पोजीशन और टी क्या होगा टाइम, बट ये डेल्टा एस बिकम्स डी एस एंड डेल्टा टी बिकम्स डी टी इफ दिस लिमिटिंग इंटरवल इज वेरी स्मॉल. बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में आपने पढ़ा कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, अगर मैं कहता हूं किसी बॉडी का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये अब ग्राफिकल अप्रोच पर जा रहे हैं इस चैप्टर की, अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि बॉडी जब टी इक्वल टू कुछ टी वन पर थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 1 मीटर पे थी तो उसकी पोजीशन थी फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर, जब वो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे हो गई, 2 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर, और फिर 3 सेकंड पे उसकी पोजीशन अगेन चेंज हो गई फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 3.5 मीटर, यानी पोजीशन विद टाइम चेंज हो रही है. ग्राफ आपको ये बताता है बॉडी में पोजीशन हर टाइम से चेंज हो रही है. तो किसी भी एक इंटरवल के लिए आप स्पीड कैसे डिफाइन करोगे, फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल दिस इज एस दिस इज टी, अगर ए से लेके बी के बीच में आपने स्पीड डिफाइन कर दी तो दैट स्पीड वुड बी एवरेज स्पीड. व्हाई एवरेज, बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लिया. मैं कहता हूं एट पॉइंट ए जो आपको पोजीशन नोन है वो एस वन है और टाइम है टी वन, एट टाइम टी टू पोजीशन बिकम्स एस टू, ए से लेके बी तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, पोजीशन पहले एस वन थी लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर और बाद में पोजीशन होगी 8 मीटर एस टू, यानी कि 2 और 8 का डिफरेंस आया 6, ये पूरा डिस्टेंस हो गया मेरे रेफरेंस पॉइंट से एस टू का और ये पूरा डिस्टेंस हो गया एस वन का, यानी कि बॉडी ने नेट टोटल कितना मोशन किया एस टू माइनस एस वन का, एस टू माइनस एस वन, यहां पर टाइम था टी वन यहां पर टी टू, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया टी टू माइनस टी वन का. तो आपकी एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बीइंग एस टू माइनस एस वन एंड टाइम बीइंग टी टू माइनस टी वन, दिस इज दी एवरेज एंड दैट इज व्हाई हम इसको डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखते हैं. डेल्टा का मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वुड बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, चेंज इन टाइम दैट वुड बी टाइम इंटरवल, तो एवरेज स्पीड वुड बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम.